अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दादी माँ के बहुत ही आसान 20 बेस्ट किचन टिप्स बहुत ही कमाल के हैं, ज़रूर सुने। नंबर एक, हाथ पैरों की जलन दूर करने के लिए सौंफ, मिश्री और धनिया तीनों को बराबर मात्रा में लेकर पाउडर तैयार कर लें, फिर इनका नियमित रूप का सेवन करें। नंबर दो, अगर आप नियमित रूप से हरी घास पर रोज़ाना चलते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा मिलता है, साथ ही पैरों के सूजन और जलन हो तो उसको भी छुटकारा मिल जाता है। नंबर तीन, गठिया के रोगों से निजात के लिए हारसिंगार के पत्तों, छाल और फूलों से काढ़ा बना सकते हैं, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। टिप नंबर चार, आयुर्वेदिक में बादाम को और सौंफ का सेवन बेहद उपयोग माना गया है। अगर आप नियमित रूप से बादाम और सौंफ को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इससे आपकी आँखों की कमज़ोरी दूर होती है और आँखों की रोशनी बढ़ती है। बादाम और सौंफ के सेवन से संधोधनी की समस्या भी नहीं होती है। टिप नंबर पाँच, बेहतर सेहत के लिए हमें अपने खाने में काले नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। काले नमक में सोयाबीन की लेवल बहुत कम होता है और इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होती है। अगर अपनी डाइट में काले नमक का इस्तेमाल करते हैं तो लीवर की पित्त उत्पादन बढ़ता है, जो सीने में जलन, सूजन जैसी समस्या होने से रोकता है। पित्त शरीर की एसिड लेवल को भी कम करने में सहायक है। टिप नंबर सिक्स, पलकों की खुजली शांत करने के लिए आप कोल्ड कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके तहत आँखों पर बर्फ़ लगाने और आँखों को थोड़ी थोड़ी देर पर ठंडे पानी से धोकर पलकों की खुजली से राहत पाई जा सकती है। चाहे तो ठंडे पानी में सॉफ्ट कपड़े को भिगोकर आँखों पर कुछ देर के लिए लगातार रखें। अगर पलकों की खुजली होती है तो आपको बार बार रगड़ने में मामले से बचना चाहिए। टिप नंबर सात, बची हुई चाय पत्ती को कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। इसको घर में लगे पेड़ पौधों की जड़ों में डाल दें, पौधों के लिए बेहतर और ज़्यादा लाभदायक होती है। टिप नंबर आठ, रोज़ाना रात में सोने से पहले तिल के तेल की सरसों से मालिश करने से चिड़चिड़ापन दूर होता है, साथ ही थकान भी दूर हो सकती है। टिप नंबर नौ, शरीर में हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बेल की पत्तियों को सुबह खाली पेट चबाएं। कोशिश करें कि बेल की कोमल पत्तियों को तोड़कर इसे चबाएं, इससे आपको अधिक लाभ हो सकता है। इसे आप गुनगुने पानी के साथ भी ले सकती हैं, साथ ही बेल की पत्तियों का काढ़ा बनाकर भी पिया जाए तो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। बेल की पत्तियों को चबाने से न सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल होता है और भी काफ़ी फायदे मिलते हैं। टिप नंबर 10, कीनू खाने से चेहरे पर दाने नहीं निकलते हैं। टिप नंबर 11, अगर आँखों के आगे धुंधलापन नज़र आता है तो आँखों में रोज़ाना सुरमा डाल लें। टिप नंबर 12, पत्ता गोभी का सेवन करने से बालों की ग्रोथ बढ़ती है और बाल काले और मजबूत बनते हैं। टिप नंबर 13, गर्मी के मौसम में जिन लोगों के पैरों के तलवे गर्म रहते हैं उनको मेहंदी लगाने से पैरों की जलन दूर हो सकती है। टिप नंबर 14, अगर किसी व्यक्ति के नकसीर की समस्या चल रही हो तो उसे सर पर ठंडा पानी की धार डाले हुए सर को भिगो दें, इससे उनके नकसीर की समस्या में आराम मिलेगा। टिप नंबर 15, दही के ऊपर वाला पानी पीने से लीवर की बीमारी में आराम मिलता है, इसलिए कभी भी दही के पानी को फेंकें नहीं, उसका इस्तेमाल अपने दिनचर्या में ज़रूर करें। टिप नंबर 16, खीरे के पतले टुकड़े काटकर अपनी आँखों पर रखें। खीरे में हाइड्रेशन गुड़ होता है जो नेचुरल तरीके से आँखों को ठंडक पहुँचाता है और डार्क सर्कल से भी छुटकारा दिलाता है। रोज़ाना हींग का सेवन बेहद लाभकारी होता है। एक गिलास पानी में एक चुटकी हींग मिलाकर पीने से शरीर में खून की दौरान भी अच्छा होता है। यदि प्रतिदिन गाजर का जूस नियमित रूप से पिया जाए तो सफ़ेद बालों से छुटकारा मिल सकता है। गाजर के रस में बहुत सारे पोषण तत्व, अवश्य विटामिन और खनिज होते हैं, जो शरीर और बालों को पोषण पहुंचाने के लिए गाजर का जूस आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है।
अवश्य अपनाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही जानकारी और टिप्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस उपचार दवा या डाइट को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह भी ज़रूर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखेंगे, मेरी दुआओं में आप शामिल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत जल्द।